चीन से लौटे दो नौजवानों में कोरोना वायरस की अलामत पाए जाने के बाद नांदेड़ में एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं। बल्दिया उज़्मा के डॉक्टरों की अहम मीटिंग इस मामले पर मुनक्किद हुई। स्टैंडिंग कमेटी हॉल में हुई मीटिंग में वायरस से बचाव और उसके तदाबीर पर गुफ्तगू हुई। बल्दिया उज़्मा के महकमे तिब ने आवाम से एहतियात बरतने की गुजारिश की है। आज नांदेड़ शहर और अगड़ा महानगर पालिका के हद में एक जो कोरोना विषाणु है उसका सदृश्य एक संशयित रुग्ण पाया गया है, जो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन सिविल हॉस्पिटल में एक आइसोलेटेड वार्ड तैयार किया गया है, उसमें अंडर ऑब्जर्वेशन है। इसके लक्षण यानी एक तो सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया जैसी भी थोड़ा निमोनिया सिम्टम्स है ये बीमारी। लोगों से ये आह्वान करते हैं कि अगर कोई बाहर चाइना जाके आया है या फिर बाहर फॉरेन कंट्री जाके आया है और उसे ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो जल्द से जल्द महापालिका को कांटेक्ट करे और सिविल सर्जन हॉस्पिटल को भी कांटेक्ट करे और वहाँ अपना इलाज करवाए। नांदेड़ वागड़ा शहर महानगर पालिका की तरफ से MPW जो होते हैं हमारे कंटेनर सर्वे किया जाता है, डेंगू का सर्वे, वो उस हिसाब से हमारा एक सर्वे चालू है कि सर्वे रेगुलर रूटीन सर्वे है, लेकिन उस सर्वे में हमने कुछ क्वेश्चनरी दी है हमारे लोगों को, हाँ स्टाफ को, कि वो कोई फॉरेन रिटर्न होगा या चाइना रिटर्न है जिसे ये प्रॉब्लम है, तो वैसा एक आइडेंटिफाई करने के लिए इजी जाए। लेकिन अभी जो पेशेंट है वो सस्पेक्टेड है, उसको अभी कोरोना है ये कह नहीं सकते, वो सस्पेक्टेड है।